and welcome back to my channel Digital Diaries. Today we are going to talk about the movie Radhe Shyam, which is released today only. Directed by Radha Krishna Kumar and written by also Radha Krishna Kumar, this movie stars the pan India superstar Prabhas, the darling of Tollywood. इसमें पूजा हेगड़े भी है. बेसिकली ये जो स्टोरी है उसके बारे में अगर एक लाइन में समरी में बताया जाए तो दिस इज एन एपिक ब्यूटिफुल रोमांटिक लव स्टोरी विथ अ वेरी गुड ट्विस्ट इन द एंड. तो कहानी जो लिखी गई है बाय राधा कृष्ण कुमार, ही इज अ ब्रिलियंट मैन. कहानी की बात करें तो इस मूवी के बारे में बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि टाइटैनिक जैसा बना दिया है, बट फर्स्ट मैं पहले ही ये बताती हूँ, देर इज हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन टाइटैनिक एंड दिस मूवी. टाइटैनिक जैसा कुछ भी नहीं है. हाँ, एक शिपरेक सीन डेफिनेटली है जो टाइटैनिक से मिलती जुलती है, बट दैट डजंट मीन दिस मूवी इज लाइक टाइटैनिक. इट इज नॉट एट ऑल लाइक टाइटैनिक. टाइटैनिक वाज एन एपिक लव स्टोरी, दिस मूवी इज आल्सो एन एपिक लव स्टोरी. पीरियड फिल्म है, 1970s की टाइम दिखाई गई है, 1976 की यूरोप की टाइम दिखाया गया है. तो मूवी की बेसिक जो है प्लॉट लाइन जो अगर कहा जाए तो प्रभास का जो कैरेक्टर है ही प्लेज विक्रमादित्य, जो एक पामिस्ट है, पाम रीडर है. अपना ये हाथ का जो पाम है वो देख के फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है उसके बारे में वो बता सकते हैं. सो ही लिव्स इन यूरोप, तो पहले इंडिया में रहते थे एंड ही प्रेडिक्टेड समथिंग. उसके बाद कुछ हुआ एंड देन ही शिफ्टेड टू यूरोप अपनी माँ और अपने दोस्त के साथ रहता है. भाग्यश्री प्लेज प्रभास मदर, शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. एकदम लग ही नहीं रही थी कि मदर, मतलब इतनी ब्यूटीफुल मदर, मतलब बहुत ही कम उम्र वाली लग रही थी. एंड पूजा हेगड़े प्लेज द रोल ऑफ प्रेरणा, शी वॉज अ डॉक्टर, शी प्लेड द रोल ऑफ अ डॉक्टर. सो बेसिक स्टोरी लाइन इज कैसे ये दोनों मिलते हैं एंड उसके बाद क्या एपिक जो लव स्टोरी दिखाई गई है दोनों की, जिस तरह से एक एक सीन बयां किया गया है, हैट्स ऑफ टू दैट मैन राधा कृष्ण कुमार. जिस तरह से उन्होंने लिखी है ना, इट इज़ लाइक अ पोइम. द एंट्री सीन ऑफ पूजा हेगड़े वो ट्रेन में जितनी ब्यूटिफुली वो जो एंट्री सीन दिखाई गई थी ना, आई जस्ट डाउट कि मतलब पिछले कब कितने सालों में इतनी अच्छी एंट्री किसी हीरोइन की बॉलीवुड में दिखाई गई है. आई जस्ट डाउट. बहुत ही खूबसूरत, एकदम मिसमराइजिंग, ब्यूटिफुल, बहुत ही एकदम क्या बोलूँ, इट वॉज लुकिंग हेवनली. इस तरह से पूजा हेगड़े की मतलब एंट्री सीन जो थी, प्रभास का एंट्री सीन वॉज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी डैशिंग एंड स्टाइलिश. इंदिरा गांधी की एक छोटा सा ही पार्ट है, कुछ सेकेंड्स का, हार्डली एक या मिनट का ही होगा, बट वो भी बहुत ही काफ़ी प्रेजेंस रखता है. सो द मूवी द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं विक्रमादित्य एंड ही इज कॉल्ड द नॉस्ट्रादमस ऑफ इंडिया. बहुत कुछ इंसिडेंट्स की वजह से होते हैं, कुछ इंसिडेंट्स होने वाले होते हैं तो नहीं होते हैं. तो कहानी के दर मतलब थ्रू यही बताने की कोशिश मेनली आखिर में किया गया है. यस, ऑब्वियसली हर एक इंसान की किस्मत, हर एक इंसान की लकीर में कुछ ना कुछ तो लिखा होता है. किस्मत तो लिखा होता है, पहले से ही तय है कि आपके लाइफ में ये होगा या नहीं होगा. बट क्या आप वो किस्मत को चेंज कर सकते हो? डू यू हैव द पावर टू चेंज दैट किस्मत, टू चेंज दैट फेट व्हाट यू हैव? अपने हाथों में अपनी किस्मत की लकीर बदलने की ताकत आप रखते हो या नहीं रखते हो? इसी के ऊपर बेसिकली ये मूवी है. लव स्टोरी है, थोड़ा बहुत मतलब कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत इमोशन वाला, ट्रैजिक वाला, बहुत कुछ है. इट्स अ मतलब प्योर लव स्टोरी, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट, नथिंग मतलब कुछ नया जो अगर लोग ऐसा सोच रहे कि जाएगी कि बहुत नया कुछ होगा उसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ही बता देती हूँ ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ अ वेरी सिंपल रेगुलर लव स्टोरी रिटन विद वेरी ब्यूटिफुल, इट्स लाइक अ पोएम. हर एक सीन जिस तरह से लिखा गया है दोनों, वो जो स्पेशली जो गाने आते हैं उस गाने के दौरान जिस तरह से ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सीन्स होते हैं, कैसे वो एक दोनों एक दूसरे को अपना प्यार जताते हैं, वो लिख के वो टाइम 70s का जो टाइम दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छे से वो स्टोरी लिखा गया है. दोनों के प्यार मतलब जो लव स्टोरी, ऐसे हमने कई सालों में इतनी अच्छी वेल रिटन वेल सेड लव स्टोरी नहीं देखा है. प्लस सॉन्ग्स जो हैं माइंड ब्लोइंग हैं, एकदम बाप लेवल की सॉन्ग जिसको कहते हैं ना, जो सीन की खूबसूरत को, जो उसकी ब्यूटिफुलनेस है उसको और भी ज़्यादा एनिग्मेटिक बना देते हैं. प्लस इसके साथ जो सिनेमाटोग्राफी है, सिनेमाटोग्राफी बाय मनोज परमहंस, हैट्स ऑफ टू हिम. कितना अच्छा, मतलब
दिखाया गया है, द ब्यूटिफुल रोड्स, द माउंटेन्स, बहुत ही ऑसम था. एंड साथ में जो आर्ट डायरेक्शन का काम जिन्होंने किया है बहुत ही बेहतरीन किया है. एकदम 70s का जो टाइम है, जो उस टाइम पे किस तरह से गाड़ीज होते थे, किस तरह की कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, इवन टेबल चेयर की मॉडल्स एंड डिजाइंस, वॉल्स, वॉल पे पेंटिंग्स, घर की डेकोरेशन किस तरह से होते थे, सब कुछ एकदम डिटो. और ट्रेन, खास करके जो ट्रेन का मॉडल बनाया गया था, इट वॉज सो 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 लवली. मैं क्या बोलूँ, अभी भी ऐसा लग रहा है कि दैट पूरे मूवी का जो सीन्स है, इट इज जस्ट फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज. हॉस्पिटल का सेट बनाया गया था, दैट वॉज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. और उसमें एक गाना है, एक बॉल डांस की सिक्वेंस है, मतलब क्या बोलूँ, एकदम लग रहा था हम एकदम कुछ ड्रीमी फैंटेसी, कुछ ऐसे सिंड्रेला या कोई परियों की कहानी देख रहे हैं. इतना सुंदर दिखाया गया है. एंड द स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ प्रभास एंड पूजा हेगड़े एंड देयर केमिस्ट्री इज माइंड ब्लोइंग. You will totally shut off your brain, shut off your mind कि आसपास क्या हो रहा है सब भूल के आप आराम से मूवी की तरफ फुल फोकस रहेगा. कुछ अगर नेगेटिव पॉइंट इस मूवी में अगर ढूंढ के बताया जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है मूवी का, जो है वो है प्रभास की जो हिंदी डब हुई है, वो जो डबिंग हुई है वो सही से नहीं हुआ है. मतलब आई फील लाइक प्रभास ने बहुत अच्छा काम किया, एक्टिंग, एक्सप्रेशन, स्क्रीन प्रेजेंस, लुक, एवरीथिंग इज सुपर डुपर. बस हिंदी का जो डिक्शन है, ही नीड्स टू वर्क ऑन इट, आई फील लाइक दैट. वो थोड़ा आपको कान में बजेगा, हिंदी सही से नहीं हुआ. क्या है ना कि इतने खूबसूरत खूबसूरत सीन्स थे तो उसमें एक डायलॉग जो डिलीवरी होते हैं वो अगर एक पर्टिकुलर तरीके से होते हैं तो उसका जो फील है, जो एपिकनेस है वो और बढ़ जाता है, उसका लेवल और हाई हो जाता है. बट बिकॉज ऑफ दैट हिंदी डिक्शन वो थोड़ा सीन का अहमियत कम कर दिया होगा. सो हिंदी डबिंग में प्रॉब्लम थोड़ा सा हुआ है. बाकी हिंदी डबिंग को छोड़ के जो मूवी की कहानी है, जो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स है, लोकेशन है ना, एवरीथिंग इज जस्ट फैंटेब्यूलस. एंड द वर्क परफॉर्म बाय द एक्टर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रभास, पूजा हेगड़े टू भाग्यश्री टू सत्यराज, हमारा जो मामा जी है बाहुबली का कटप्पा, वो भी है ही प्लेस विक्रमादित्य जो गुरु थे, उनका रोल प्ले किया था सत्यराज ने. ऑसम, सबका प्रिंस प्रेजेंस ऑसम है. और फिल्म का सबसे हाइलाइटिंग पॉइंट जो है क्लाइमैक्स, लास्ट जो 20 मिनट्स में होता है ना, 20-25 मिनट्स में, मतलब पूरे थिएटर हॉल में मैं जब गई थी तो सिर्फ पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग एकदम ऐसे करके बैठे थे, जॉ ड्रॉपिंग, एकदम मुंह खोल के कि क्या होगा. मतलब बहुत कुछ, एक शिप ब्रेक का सीन हो रहा था, एवरीवन वाज पजल्ड. एंड जो एंडिंग है, जो क्लाइमैक्स है, नो वन विल बी एबल टू गेस. बाकी जो मूवी का रेगुलर लव स्टोरी है, बट एंडिंग है, एंडिंग में क्या होगा. सो दैट वाज अ वेरी बिग, मतलब ऑसम एंडिंग जिसको कहते हैं. साथ में VFX का जो टीम था, क्या अच्छा VFX किया है, तो उनको देख के बहुत ही नेचुरल फील होगा. इट डजेंट लुक ओवरबोर्ड, इट डजेंट लुक बैड, डजेंट लुक क्रिपी. बहुत ही अच्छा VFX का सीन था. हाथ जब पंप रिट कर रहा था ना, तो हाथ की जो लकीरें हैं वो कितनी ब्यूटीफुली दिखाया गया है विद रेस. इट वॉज सो ब्यूटिफुली लुकिंग. पूरे फिल्म देख के आपकी मुँह से वही वाओ वाओ ऐसा फील आएगा. मतलब so beautifully presented, so beautifully written each and every scene. सिर्फ हिंदी जो डिक्शन है प्रभास की उसमें कामियाँ हैं, उसको छोड़ के बाकी सब बहुत ही बेहतरीन है. बहुत दिन बाद, I mean बहुत सालों के बाद, इतनी awesome, beautiful, प्योर वाला लव स्टोरी जो आया है बॉलीवुड. सो आई होप आप सबको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो. एंड इफ आई हैव टू गिव मार्क्स टू दिस मूवी, तो आई विल गिव 4 out of 5. 1 marks मैंने डिडक्ट किया है बिकॉज ऑफ दैट हिंदी डिक्शन. अदरवाइज द मूवी वो हिंदी डिक्शन को छोड़ के अगर मैं बोलूँ तो इट डिजर्व्स द फुल मार्क्स. अदरवाइज बहुत ही अच्छा है. सो आप सब प्लीज जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए एंड मुझे बताइए कि आप सबको कैसा लगा मेरा रिव्यू. प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स. सो आज के लिए बस इतना ही. आई विल सून बी बैक विद द रिव्यू ऑफ अदर अपकमिंग मूवीज. बहुत ही मूवीज आ रहे हैं अभी, कोविड चला गया है, सो मूवीज आर कमिंग ईच वीक. बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज आने वाला है. सो आई विल बी बैक विद रेगुलर रिव्यूज ऑफ बॉलीवुड मूवीज. सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय.